पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आपके घुमक्कड़ कारगिल से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और नामिकला, फाटुला, लामायुरु, मैग्नेटिक हिल और पत्थर साहिब गुरुद्वारा होते हुए लेह तक पहुंचते हैं। अब आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम लेह। और गाइस गेस करो अभी हम कहां पर हैं? नहीं कर पा रहे, चलो अब दिखाते हैं। वी आर एट शांति स्तूपा। अभी सुबह के 8 बजे है और हम सबसे पहले यहाँ पर आ गए शांति स्तूपा देखने, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ कम होती है, वरना यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर आ गए। चलिए गाइज, पहले आपको दिखाते हैं अपने होटल से यहाँ तक का रास्ता, उसके बाद फिर यहाँ पर वापस आते और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज, ये हमारा होटल जहाँ पे हमने कल रात स्टे किया था, होटल शांति पैलेस। और ये हमारी कार जहाँ पे हमने पार्क करी थी कल पार्किंग में, और ये होटल का व्यू है। तो चलिए गाइस, आपको अंदर से दिखाता हूँ। सो गाइस, ये राइट में वेटिंग लॉन्ज है और इस सामने रिसेप्शन है यहाँ का, और गाइस ये लेफ्ट में रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कर सकते हैं। चले गए, जाके चलते हैं। हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे ही है। सो पहले एक बार आप यहाँ का व्यू देख लीजिए, ये बीच में बरामदा है और राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड पे रूम्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है, और ये सामने पहाड़ दिख रहा है और धूप आ रही है। ये हमारा होटल रूम। सो गाइस, ये हमारा रूम अभी थोड़ा काफ़ी मैसी है, बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मैसी है। ये सारा सामान गुप्ता जी का फैला हुआ है अकेले का। सो गाइस, रूम भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, वुडन इंटीरियर है, काफ़ी कंफर्ट बेड है, और ये लेफ्ट में हमारा वॉशरूम। सो गाइस, ये रूम हमको पड़ा 1500 रुपये का, अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो कम से कम 4000 तक का भी रूम जाता है। सो गाइस, अब चलते हैं, चलो थोड़ा लेह एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से, और जो हमारा होटल था वो लेह टाउन की मेन मार्केट के पास ही था, और अब हम पहले जा रहे हैं शांति स्तूपा, जो हमारे होटल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो शांति स्तूपा है वो लेह टाउन के बिल्कुल कॉर्नर में बना हुआ है, हाइट पर, जहाँ से पूरा लेह टाउन दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं शांति स्तूपा। शांति स्तूपा, ये प्लेस सच में बहुत अमेजिंग है। यहाँ से सारे व्यूज़ जो हमें लेह शहर के दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं, माउंटेन्स हैं बैकग्राउंड में, और सच में यहाँ पे आके एक शांति का एहसास होता है। एक बार यहाँ विजिट जरूर करना चाहिए, और जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको खुद ये फील होगा। गाइस, अगर आपको शांति चाहिए तो शांति स्तूपा जरूर आना। कि हमने यहाँ पर अपना पुष्पक विमान भी उड़ाया, जिसको हम अभी आपको दिखाते हैं। इन 1 2 3 गो गो।
यहाँ से गाइस पूरे लेह का व्यू दिख जाता है। यहाँ पे जगह जगह पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ से बता रखा है कि यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, वो सब आपको दिखाएंगे हम अभी थोड़ी देर में। कंप्लीट ले दिखता है यहाँ से, कंप्लीट ले, ये हाइट पे बना हुआ है पहाड़ पे और नीचे पूरा ले शहर है, सारा व्यू आता है। प्लीज जो है गाइस मस्ट विजिट है, यहाँ पे जरूर आइएगा ले आ रहे जरूर आना। आज बादल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ लेह में, हम आपको अपने गोपू से टाइम लैप्स नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं देखते कल बादल आएंगे तो कल दिखाएंगे पैंगोंग पे। चलिए गाइस आपको अब यहाँ का टूर करवाते हैं, चलिए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह इन्होंने जो फेमस प्लेसेस हैं आसपास उनकी डायरेक्शंस लगा रखी हैं, और ये आप देख रहे हैं खारदुंगला पास की डायरेक्शन। तो इसका डिस्टेंस है यहाँ से 39.50 किलोमीटर और हाइट है यहाँ की 18,380 फीट। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो सामने जो बर्फ वाला पहाड़ है ठीक वहीं पर खारदुंगला है। और आगे चलते हैं, चलो डायरेक्शन है ले पैलेस की। ले पैलेस यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और ये आप सामने देख सकते हैं, ये सामने यहाँ से सीधा उस पहाड़ पे है ले पैलेस। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो है इंडस रिवर की डायरेक्शन। सो इंडस रिवर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और उसकी हाइट भी 11,660 फीट है। सो आप देख सकते हैं वहाँ सामने, वहाँ ठीक पहाड़ के पीछे इंडस रिवर बहती है। और गाइस ये डायरेक्शन है विलेज माठो की, ये भी काफ़ी पुराना विलेज है यहाँ पे, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 21.5 किलोमीटर और हाइट है लगभग 11,000 फीट। सो अगली डायरेक्शन है स्टॉक विलेज की। स्टॉक विलेज यहाँ से 13.5 किलोमीटर दूर है, उसकी हाइट है 11,576 फीट और ये जो है लद्दाख रॉयल्स का ऑफिशियल रेजिडेंस माना जाता है। और यहाँ से गाइस काफ़ी फेमस ट्रैक है यहाँ का स्टॉक कांगड़ी का ट्रैक, ये उसका एक तरह से बेस कैंप है। और इसकी जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये सामने वहाँ पहाड़ के आसपास है। अगर मैं बात करूं यहां तक पहुंचने की, तो अगर आप अपनी गाड़ी से हैं, टैक्सी से हैं, तो आप यहां पे बाय रोड आ सकते हैं। सो गाइज अगर आपके पास गाड़ी वगैरह भी नहीं है तो नीचे लेह टाउन से ही स्टेयर्स आती हैं, लगभग 500 स्टेयर्स हैं, उनको यूज़ करके आप यहां शांति स्तूपा तक आ सकते हैं। सो दोस्तों ये था शांति स्तूपा का टूर, और अभी हम यहां पे बस नीचे एक छोटा सा मंदिर है वो देख के हम निकलते हैं खारदुंगला के लिए। तो चलिए गाइज चलते हैं। हर एक जर्नी, हर एक डेस्टिनेशन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है और एक नया एक्सपीरियंस देती है। इस जर्नी का आज हमारा चौथा दिन है और हम फाइनली अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन लेह लद्दाख में हैं। जब आप अपने सपने को हकीकत में जीते हो तो उससे ज़्यादा खुशी आपको और कोई चीज़ नहीं दे सकती, और इस जर्नी के हर पल में हम अपने सपने को हकीकत में जी रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो इस जर्नी में आपको काफी कुछ दिखाना बाकी है। मित्रों अच्छे वीडियो आने वाले हैं, प्रेस द बेल आइकन।